परम सत्कार युग दोस्तों, तो अनुसार बहुत बहुत प्यार परिचय स्वीकार नमस्कार शबा खैर। मैं थोड़ा अपना लेखक ते पत्रकार राम सिंह ढिल्लों। अज साडा टॉपिक है औरतां गल्लां क्यों ज़्यादा मारदियां भाई, विमेन आर टाकिट। इस टॉपिक ते असीं गल करांगे। उस तो पहला तुहानूं बेनती है कि तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब करो punjabmedia.tv13, ताकि असीं तुहाडे को होर भी इंट्रस्टिंग ज्ञानवर्धक काफ़ी सारा मटीरियल तुहाडे को लै आ सकीए, तुहाडे नाल सांझ पा सकीए। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया होगा। वध वध सबसक्राइब करो। तो हुण असीं शुरू कर लगे टॉपिक, औरतां गल्लां क्यों ज़्यादा मारदियां। सब तो पहली गल तां इह है कि साडे एशियन कंटीनेंट दे विच इंडिया खास करके औरतों की इज्जत काफ़ी की जाती है सदियों तो, और की जाती रहेगी। साडे धार्मिक शास्त्र, साडा ज्ञान और साडी सारी फलसफी देवियों के द्वारे घूमती है। इस करके असी बहुत रिस्पैक्ट दें, असी हुण भी दें ते देंदे रहांगे। ये साडा कल्चर है। ये एक टॉपिक जनरल नॉलेज लई है जिसनों कि असी डिस्कस कर लगे हैं। पहली गल तो यह है कि जदों लड़की 9 महीने की होंदी है जन्म तो बाद, तो वह गल्लां करन लग जाती है। वो काफ़ी गल्लां कर 9, 10, 11, 12 महीने की लड़की अच्छियां गल्लां करन लग जाती है, काफ़ी गल्लां मार, जबकि वो लड़का 1.5 साल का बोलन लगता है। तो उसकी रफ्तार घट होंदी है लड़के की, तो जबकि लड़की की रफ्तार बोलन की काफ़ी तेज होंदी है। तो एक स्टडी आई है, इन स्मॉल स्टडी कह सकते आप, 4 से 5 साल के बच्चों से की गई है लड़कियों से, जोड़ा FOXP2 प्रोटीन है वो लड़कियों नालों ज़्यादा पाया गया है उन्होंने ब्रेन के। 4 से 5 साल के बच्चों से यह किया गया टेस्ट, जिस FOP2 प्रोटीन लड़कियों नालों कहते ज़्यादा पाया गया है उन्होंने ब्रेन च। खोजें का यह भी कहना है कि यही प्रोटीन है जोड़ा ये कम्युनिकेशन लिए जिम्मेदार है, जी आप गल्लां करते हैं ये जिम्मेदार है। जे FOXP2 प्रोटीन लड़कियों के ज़्यादा है तो कुदरती गल है कि वह ज़्यादा कम्युनिकेट करनगे, ज़्यादा गल्लां करनगे। तो मनोविज्ञानी अनुसार जो खोजी ने औरतां रोज़ाना पर डे जनी 20,000 शब्द बोल दिए ने, यानी कि मर्दों 13,000 शब्द ज़्यादा बोल दिए ने। तो ब्रेन च हॉर्मोन के डिफरेंस होने करके वो ज़्यादा बोल दिए ने। जे मर्द एक गल बोलता है तो औरतों के बदले 3 गल्लां बोल दी है। ये तो असीं आम घर भी वेखते हैं, जो मर्द सिंपल बोलता तो औरत 2-3 गल्लां जरूर बोलती है। तो यह मनोविज्ञानियों का भी ख्याल तो खोज आई है। तो उन्होंने तो यह भी कहना है जे औरत मर्द के जवाब 3 गल्लां बोले तो मर्द ने चुप रहना चाहिए, क्योंकि 3 तो उन्हें बोलनी बोलनी ने, वो हाइपर एक्टिव है, इस मामले प्रोएक्टिव है, वह कुदरत है, वह नियम के अनुसार है। जो मर्द एक गल बोलता तो औरत उसके बदले 3 गल्लां बोलती है। ये मनोविज्ञानी का ख्याल है, खोज है। औरतों के ब्रेन के सैल जड़े वो लगभग 26 अरब के लगभग होंगे ने, जबकि मर्दों के ब्रेन के सैल ने जोड़े वो 45 खरब के लगभग होंगे, सॉरी 26 खरब के लगभग होंगे ने। तो मर्दों के ब्रेन के सैल ने जोड़े 45 खरब दे लगभग ज इस तो थोड़े वध होंगे ने। फिर भी औरतों का स्पीच सिस्टम क्यों प्रोएक्टिव है, क्यों तेज़ है, ये मनोविज्ञानियों लिए हालां भी खोज का विषय है। पर जे असी कुदरत के नियम अनुसार देखिए, देखा जाए तो औरत जगती जननी है, तो इनू बनाए रखन, ये संसार नू बनाए रखन, संसार नू चलाउन, संसार नू प्रोटेक्ट करन, मेनटेन रखने शायद
कुदरत ने औरतों को वध बोलण दे तोहफे वजों नवाजे। ये तोहफा औरत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।